आपकी मछली मेरी मछली, खाओगे मछली मजा आएगा, मजा धीरे धीरे हम तो उठ जाएंगे, उठ जाओ जैसे मछली को जितना धो वो उतनी स्वादिष्ट बनती है। और चिकन और मीट को कम से कम धो नहीं तो उसका स्वाद खराब हो जाता है। वो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। ये जो मसालेदार मच्छी करी झटपट बनने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट, जिसे आप रोटी चावल किसी के साथ खा सकते हैं, खिला सकते हैं, जो एक बार खाएगा ना मेरा दावा है वो मिल पाएगा इस स्वाद को। देखिए बहुत ही बारीक हो रही है और साथ में लाइट भी नहीं है। ऐसे हालत में वीडियो बना रहे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक अपनी चैनल की लाइक भी कर दीजिएगा, और जो मैं जो चाहते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, हमारे क्या आपके चैनल, हमारे आपके सभी का चैनल इसे सब्सक्राइब कर हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बहुत अच्छी अच्छी नॉन वेज और वेज की रेसिपी, स्वीट्स की रेसिपी, जो आप लोगों की इच्छा है उसकी रेसिपी आप बोल सकते हो मैं दिखा सकती हूँ। तो अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए इस सफर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, नहीं तो हमारी रेसिपी की नई अपडेट आपके पास नहीं मिलने वाली। प्याज या थोड़ी हरी लाल मिर्ची सूखी वाली। तो दोस्तों यहाँ पर तीन जो है ना प्याज मीडियम साइज का काट लिए हैं। यहाँ पर 15-16 दाने लहसुन की कलियाँ हैं, इतना अदरक है। यहाँ पर 2 टमाटर मीडियम साइज के और हरी मिर्च। तो बारिश तो चली रही है, आइए पकाते हैं एकदम मस्ती वाली मछली करी। तो दोस्तों चूल्हा जल गया है और बारिश जो है लगातार चल रही है, लाइट भी नहीं है। आइए कढ़ाई रख देते हैं चूल्हे पर। और ये है कुछ सीक्रेट मसाले जो धोते वाले बोलते हैं ना, सीक्रेट मसाले नहीं बताएंगे, तो आज मैं आप लोग के आगे बता देती हूँ सीक्रेट मसाले क्या होते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। तो यहाँ पर धनिया है, अजवाइन है, और उसके बाद दालचीनी है, जावित्री है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, जीरा है, अजवाइन है, और थोड़ा सा मेथी दाना। बस यही होता है उनका सीक्रेट मसाला। तो आपको हम यहाँ पर 1 किलो के हिसाब से पूरा मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आइए सबसे पहले इसको जो है ना कढ़ाई में भून लेते हैं। ये होटल वालों का सीक्रेट मसाला आज मैं आप लोग के सामने बता दूँ। अब ये कई तरह के सीक्रेट मसाले हैं, आगे आने वाली वीडियो में और भी बताऊंगी। हर तरह की मछली में अपने अलग अलग या सब्जियों में अलग अलग सीक्रेट मसाले डाले जाते हैं।
और यहाँ पर हम मेथी है और सब को क्वांटिटी के हिसाब से मैं लिख दूंगी। ये जो सीक्रेट मसाला जो मैं अभी भुनी हूँ इसको सिर्फ सोंधा और सोंधा जब खुशबू आने लगे सोंधी सोंधी उतना ही भुनना है, जलाना नहीं है। इसमें डालते हैं सरसों तेल। एकदम कोलू का तेल है ये, गांव में हम लोग रहते हैं तो कोलू का तेल आसानी से मिल जाता है। जब तक तेल गर्म होता है अच्छे से तब तक मछली को हम मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच खाने वाला चम्मच से तेल, उसके बाद हिसाब से आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम थोड़ा मिर्च पाउडर और बस स्वाद अनुसार नमक। नमक इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि करी में भी डालना है, पर डालेंगे जरूर नहीं तो मछली फीकी लगेगी। इसको अच्छे से, इसको अगर आप और ज्यादा रख दें मैरिनेट करके 15-20 मिनट तो और अच्छा स्वाद होगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं पाया तो मैं बैक रिकॉर्डिंग दे रही हूँ। यहाँ पर जो है मछली सब अच्छे से फ्राई करूँगी। फ़ोन पे ना बहुत कम बैटरी रह गई थी तो मैं पूरा विस्तार से मतलब नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इस तरीके से मछली जो है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। ये देखिए मेरी ये जो मछली, ये जो मछली मैंने डाला है देखिए ये बिल्कुल चिपकी हुई है देखिए अभी। और इस तरीके से सारी मछलियाँ मैंने फ्राई कर ली है, देखिए बिल्कुल एकदम कड़क फ्राई हुआ है ना। तो सारी मछलियों को तल कर दिखाते हैं। यहाँ पर 3 प्याज मैंने डाल दिया है और प्याज को पता है कैसे भुनेंगे, बिल्कुल मतलब किनारे किनारे ब्राउन और बीच में ट्रांसपेरेंट होगा। तो इससे क्या होगा ना, प्याज हमारा एक तो कलर भी अच्छा आएगा, स्वाद भी आएगा, साथ में जो बीच में कच्चापन रहेगा ना उससे क्या है प्याज का पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से मतलब बन जाएगा। तो पूरे तरीके से लाल ना करे, मतलब प्याज के कोने कोने में लाल हो, बीच में थोड़ा सा कच्चा भाग रहे, इतने में ही मैंने यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पर वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी मैं। आज थोड़ी वीडियो में गड़बड़ी आपको दिखेगी, रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी बहुत लो हो चुकी है और लाइट है नहीं और दूसरी बारिश बहुत तेज़ है तो इसलिए मैं बैक रिकॉर्डिंग करके दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो है टमाटर वगैरह जो है मैंने डाल दिया और अब डालेंगे यहाँ पर नमक। और नमक डालने से क्या होगा कि टमाटर और प्याज दोनों का ही पेस्ट बराबर बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल, तो कहीं भी त्रुटि हो तो हमें माफ़ कीजिएगा क्योंकि आज की ही वीडियो सिर्फ ऐसी जा रही है, नहीं हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बहुत प्रॉपर वीडियो बनाए। अब साथ ही हम यहाँ पर जो है ना मसाले डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर 1 चम्मच मैंने डाला, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में अब डालेंगे धनिया पाउडर। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर आप लोग भी खाइएगा तो सच में कह रहे हैं बहुत ही तारीफ़ मिलेगी और तारीफ़ छोड़िए आपको खुद भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से ढक ढक के भूनूंगी मैं। तो इसको 10 मिनट तक मैंने पकाया और जो है मसाले अच्छे से भून चुके हैं। और यहाँ पर करी के लिए मैंने पानी डाल दिया है, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि इसे हमें रोटी के साथ खाना है तो रोटी वाली मछली के लिए ज़्यादा करी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको चावल के साथ खाना है तो थोड़ा पतला कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने
कम से कम 6-7 मिनट तक करी को उबाल कर अब मछली को डाल दिया, और मछली के साथ भी करी को 5 से 6 मिनट तक उबालेंगे ताकि करी जो है मछली के अंदर अच्छी तरीके से समा जाए, ताकि हर टुकड़े में करी का स्वाद आपको मिले। और मछली हमारी पककर इस तरीके से तैयार हो चुकी है, तो आप भी देखिए कितना अच्छा, मतलब बहुत ही टेस्टी है ये मछली, ज़रूर आप पका कर खाएं और अपने फीडबैक को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बताएं कि आपको कैसा लगा, और किसी प्रकार की वीडियो रेसिपी देखनी हो तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।